हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत की प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की सबसे प्राचीनतम और विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में मानी जाती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता कही गई थी, जब 1826 में चार्ल्स मेसन्स ने इंडिया के अंदर कुछ चीज़ें दबे होने का अलेक्जेंडर कनिंघम को जिक्र किया। अलेक्जेंडर कनिंघम जो उस समय अंग्रेज़ों के टाइम में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फाउंडर हुए हैं, उनको जब कुछ बताया तो उन्होंने इस बात का विश्वास ही नहीं किया। लेकिन उसके बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, जब उनको बताया तो उन्होंने फिर दयाराम सानी की लीडरशिप में हड़प्पा को खोदना शुरू किया, जो आजकल पाकिस्तान में है। उसके बाद हड़प्पा के बाद और भी बहुत सारे स्थल खोदे गए बारी बारी, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे दयाराम सानी ने 1921 में खोद निकाला, जो कि पाकिस्तान में आजकल है। कहते कि जब इस स्थल को खोदा गया तो एक सींग के बैल और कांसे के दर्पण, सुरमा सिलाई, सीपी की चम्मचें वहाँ पर नजर आई। फिर उसके बाद एक साल के बाद फिर मोहनजोदड़ो को खोदा गया, जो कि सिंधु नदी के किनारे आर डी बनर्जी ने 1922 में खोद निकाला था, जो भी आजकल पाकिस्तान में है। उस सिंधु घाटी के उस स्थल को मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा गया, क्योंकि ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा मरे हुए कंकाल वहीं से मिले हैं। कांसे की मूर्ति, पुरोहित का धड़, जो पुरोहित होते हैं उनका आधा धड़ वहाँ से मिला, सिलबट्टा, बाट, सब वहाँ से मिले। फिर उसके बाद 1927 में एक जगह और खोदी गई, जिसको सूत कांगेडोर कहते हैं, दाशक नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मिली। मतलब कि हम ये समझें कि सिंधु घाटी सभ्यता जम्मू कश्मीर के मांडा जगह से लेकर बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट तक फैली हुई थी, नर्मदा नदी के किनारे दैमाबाद तक फैली हुई थी और उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। यानी कि 12,99,600 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का ये बहुत बड़ा एरिया दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में माना जाता है। जब इसके नीचे से जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को खोदा गया तो उससे निकली हुई सभी चीज़ों को जब टाइमिंग सेट किया गया तो कार्बन 14 डेटिंग का यूज़ करते हुए उसका सही टाइमिंग, एवरेज टाइमिंग जो सेट किया गया वो 2400 से लेकर 1700 BC बताया गया। इस खुदाई से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूत कांगेडोर, अलग अलग जगह पर जब खुदाई हुई तो ये कंक्लूजन निकला कि इस सभ्यता में भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी के आसपास के रहने वाले लोग पाए गए हैं, ओके, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यहाँ पर पाए गए हैं, मंगोलाइड यहाँ पर पाए गए हैं और अल्पाइन प्रजाति के लोग भी यहाँ पर नजर आए हैं। कहते हैं कि जब मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नानागार नजर आया, जो कि 11.88 मीटर की लंबाई में, 7.01 की चौड़ाई में और 2.43 की मीटर की गहराई में एक बड़ा स्नानागार मिला। लोग कहते हैं कि शायद ये स्नानागार इसलिए बनाया गया था ताकि एक सामूहिक स्नान किया जा सके और ये किसी त्यौहार के टाइम में होता होगा। मोहनजोदड़ो में एक और बड़ी बिल्डिंग मिली जिसको अन्नागार हम कह सकते हैं। कहते कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो के लोग, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ पर अन्न इकट्ठा करते होंगे। 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा ये अन्नागार अपने आप में एक बेहतरीन था। यहाँ पर जिस प्रकार की ईंटों का यूज़ किया गया उनका रेशियो 4:2:1 था और ये सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के मेरठ तक फैली हुई थी और आखिरी स्थल आलमगीरपुर था। ये सभ्यता त्रिकोणीय सभ्यता थी, मतलब तीन ट्रायंगुलर इसको माना जाता है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद और खुदाई शुरू होने लगी। आमरी को खोदा गया, सिंधु नदी के किनारे आमरी एक ऐसी जगह थी जहाँ 1929 में जॉर्ज डेल ने खुदाई की। एनजी मजूमदार और जो डेल्स की लीडरशिप में ये खुदाई की गई और यहाँ पर राख से भरे हुए बर्तन मिले। चहुंदड़ों की खुदाई पाकिस्तान में एनजी मजूमदार ने 1931 में की। चार पही की गाड़ी, मिट्टी के सिक्के, घड़ियाल, मछली, ये सब वहाँ से मिले। फिर एक एक करके 1947 के बाद भी यहाँ पर खुदाइयाँ हुई हैं, जैसे कि कालीबंगन, घग्गर नदी के किनारे ढूंढ लिया गया।
कोरदीजी सिंधु पाकिस्तान में ढूंढा गया। रोपड़ सतलुज नदी किनारे पंजाब में यगदत्त शर्मा ने उसे ढूंढ निकाला। रंगपुर गुजरात में ढूंढा गया। सुरकोतड़ा कच्छ गुजरात में ढूंढा गया, जिसे जेपी जोशी ने ढूंढा था। लोथल जो कि बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था, उसे भोगवा नदी के किनारे गुजरात में ढूंढा गया। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यूपी में ढूंढा गया। धोलावीरा जो सफ़ेद कुआ के नाम से बड़ा फेमस हुआ, उसे खदीर नदी कच्छ गुजरात में ढूंढा गया। बीबी लाल ने उसे ढूंढ निकाला। राखी गढ़ी जो गग्गर हरियाणा में, सूरज भान ने उसे 1963 में ढूंढ निकाला और वहाँ बहुत सारी अग्निवेदियाँ नजर आई। बनावली रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में आर ए बिस्ट ने उसे ढूंढ निकाला। बालाकोट अरब सागर के नज़दीक बलूचिस्तान में ढूंढा गया। और इसी तरह से फिर भगवानपुरा सरस्वती नदी किनारे हिसार में हरियाणा में ढूंढा गया। संघोल पंजाब भारत में, मिथातल हरियाणा में और कुंतासी राजकोट गुजरात में ढूंढा गया। और यहाँ पर मिलने वाली बहुत सारी चीज़ें आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। लंबी सुराइयाँ, मिट्टी के खिलौने से बनी हुई गाड़ी, सेलखड़ी के मनके, तांबे की चूड़ियाँ कमाल की थी। ये लोग जेवरात बनाना भी जानते थे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर गहनों का एक जखीरा मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग सभ्यता थी। नगर योजना में भी एक नंबर की सभ्यता मानी जाती है ये। टाउन फोर्ट, लोअर टाउन यहाँ पर बनाए जाते थे। पक्की नालियाँ ईंटों से ढकी हुई, ईंटों से बनी हुई और उनके ऊपर सिलपट्टियाँ डालकर उनको ढका गया था। विशाल स्नानागार, बड़े बड़े अन्नागार, मजदूरों के आवास होने के भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। आवासीय भवन में स्नानागार, जो उनके रहने की जगह जो होती थी, हर एक घर में 4-5 कमरों का पूरा मकान आंगन होता था, कुएँ होते थे, नालियाँ होती थी, मोरियाँ होती थी, मतलब बड़े ढंग से तैयार किया जाता था। अगर इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, तो ये 9 प्रकार के अनाज उगाना जानते थे। सर्दियों के 5 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, राई, ये उगाना जानते थे। और गर्मियों में चावल, कपास, बाजरा, तिल इस तरह उगाते हैं। कहते हैं कि कपास पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में ही उगाई गई थी। और यूनानी लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इसको सिंडोन कहा था, मतलब कि सिंधु घाटी में उगने वाला कपास सिंडोन कहलाया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कपास उगाने का क्रेडिट इंडिया के लोगों को ही जाता है। यहाँ पर 5 प्रकार के फल ये लोग खाना जानते थे उस समय। तरबूजा, खरबूजा, नारियल, अनाज, अनार और नींबू ये लोग जानते थे। कई जगह पर भंडार गृह भी मिले हैं, बड़े बड़े भंडार गृह गेहूँ को और जो अनाज को इकट्ठा करने के लिए, जो 45 मल्टीप्लाई 15 मीटर की लंबाई चौड़ाई में ये बड़े बड़े अन्नागार हुआ करते थे। पशुपालन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, बैल, एक कुबड़ वाला सांड, ये सब पालते थे। कालीबंगन हरियाणा में जब खुदाई हुई राजस्थान के आसपास, तो उसमें ऊँट के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोगों को बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गा, मोर और तोता और उल्लू के बारे में भी नॉलेज थी। व्यापार की बात करें तो ये बहुत दूर दूर तक व्यापार किया करते थे। ये लोग हड़प्पा के लोग, मोहनजोदड़ो के लोग, लोथल के लोग, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी, मध्य एशिया, दिलमुन, बहरीन, माकान, ओमान तक भी ये व्यापार करते थे। इसके अलावा इंडिया में ही, कर्नाटका में भी, गुजरात में भी बहुत इनका व्यापार चलता था। ये लोग सोना, गोल्ड अफगानिस्तान, कर्नाटक और फारस से लेके आते थे। चांदी ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से लेके आते थे। तांबे के लिए लोग खेतड़ी पहुँचते थे और अफगानिस्तान पहुँचते थे, खेतड़ी जो अब राजस्थान में है। टीन के लिए ईरान, अफगानिस्तान यहाँ से जाते थे। शिलाजीत ये हिमालय के क्षेत्रों से लेके आते थे। लार्जवर्द मनी बदस्कां से लेके आते थे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में बात की जाए तो इनके समाज में सवाधान, जो आदमी को जलाने की परंपरा होती है, वो 3 प्रकार से मोस्टली होती थी। एक पूर्ण समाधान, पूर्ण सवाधान प्रणाली, एक आंशिक सवाधान प्रणाली और एक दाह संस्कार। यानी कि पूर्ण में क्या होता था, आदमी को पूरा ही जमीन में दबा देते थे और वो मरने के बाद उसको मिट्टी से ढक देते थे। आंशिक सवाधान में क्या होता था, पहले मरे हुए आदमी को जानवरों को खाने के लिए दिया जाता था, फिर जानवर जो थोड़ा बहुत छोड़ देते थे, फिर उसको बाद में फिर उनको कंकाल को, हड्डियों को वो जमीन में दबा देते थे। और तीसरे प्रकार की दाह संस्कार, जिसमें लकड़ियों को इकट्ठा करके फिर उसको जलाया जाता, जो आज भी बड़ी फेमस है। ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे। कई जगह पर काले रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन पे लाल रंग की मिट्टी के बर्तन जिनके ऊपर काले रंग से डिजाइनिंग की गई है।
बहुत सारी जगह पर इन्होंने पत्थर की मूर्तियां भी बनाई है, धातु की मूर्तियां भी बनाई है। ये लोग दाईं से बाईं और लिखते थे और कई बार बाईं से दाईं और भी लिखा मिला। इनकी लिपि को, इनकी जो लिखने की टेक्निक है उसको ब्रिस्टोफेदन टेक्निक कहते हैं। इनकी जो लिखने की टेक्निक होती थी, लिपि जो होती थी, उसमें 65 मूल चिन्ह होते थे और चित्राक्षर ज़्यादा होते थे। कहते हैं कि 375 से लेकर 400 के लगभग चित्राक्षर इसमें मिले हैं, इसीलिए आज तक ये पढ़ी भी नहीं जा चुकी है। ये लोग माप तोल करना भी जानते थे, मेजरमेंट करना जानते थे, लेकिन ये 16 के अनुपात में 16 आवर्तक के हिसाब से चलते थे। जैसे कि 16, फिर 64, फिर 160, फिर 320, फिर 640, फिर 1200, 800, 12000 एंड 800, इस तरह से ये लोग माप तोल किया करते थे। घनाकार, बेलनाकार, शंकुआकार आकार के बाट होते थे, ठीक है। ये कांचली मिट्टी से कई बार मुहर भी तैयार करते थे। इनका धर्म, ये प्रकृति की पूजा करते हैं। एक भी मंदिर नहीं मिला है, एक भी मंदिर खुदाई में कहीं से भी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला। इसका मतलब ये लोग मंदिर नहीं बनाते थे। ये भगवान पशुपति शिव की पूजा करते थे, ये मातृ देवी की पूजा करते थे, नाग, वृक्ष, अग्नि, जल पूजा करते थे। बहुत सारी जगह पर सूर्य पूजा के प्रमाण भी मिले हैं, कई कई जगह पर अग्नि वेदिकाएँ भी मिली हैं। और आखिरी में इस बेहतरीन सभ्यता का नाश हो गया, सिंधु सभ्यता ख़त्म हो गई। बाहरी लोग, आर्यों का आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, कई प्रकार के कारण बताए गए हैं कि ये बेहतरीन सभ्यता नष्ट हो गई, जमीन के नीचे दफन हो गई। जलवायु परिवर्तन, भूगर्भिक परिवर्तन हुए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आर्य लोग यहाँ पर आए और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। जैसे कि विलियम जोन्स कहते हैं कि आर्य लोग यूरोप से आए थे। कुछ बाल गंगाधर तिलक यहाँ कहते हैं कि भाई आर्कटिक प्रदेश से आर्य लोग आए और यहाँ पर अटैक किया। एक्चुअल में सिंधु घाटी के लोगों को तलवार के बारे में तो पता भी नहीं था, लेकिन यूरोप से जो आए थे, तिब्बत से जो आए थे, अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये सब समुद्र प्रदेश से यहाँ से आर्य आए और उन्होंने सिंधु घाटी लोगों को मार डाला। शायद इसीलिए मोहनजोदाड़ो से बहुत सारे कंकालों का एक ढेर मिले है। आखिरी में ये सभ्यता नष्ट हो गई या फिर परिवर्तित हो गई। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि नष्ट नहीं हुई, इसको आर्य लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया, परिवर्तित कर दिया। मतलब आर्य लोगों ने इस एरिया को कैप्चर करके और वो यहाँ पर बैठ के और अपनी आर्य सभ्यता शुरू की। तो आई थिंक आपको इसमें बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।